हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। हम लोग जा रहे हैं डेकोरेशन का सामान लेने लालबाग को, और क्लासेस का भी टाइम है लेकिन क्लासेस जा रहे नहीं है आज। हम लोग जा रहे हैं लालबाग सामान लेने को क्योंकि पापा के पास टाइम नहीं है, और एक्चुअली कल वो कैसा गिर गए थे गाड़ी से। सो मैं बोला रहने दो, मैं ही जाके आता हूँ। मैं और पानी पूरी हाँ, तो हम लोग जा रहे हैं लालबाग सामान लेने के लिए। सो चलो चलते हैं, अभी फिलहाल मेट्रो से जाएंगे, फिर लोकल वगैरह करते हुए अपन चले जाएंगे। सो हे गाइस, हम लोग मेट्रो पर आ चुके हैं, अभी ट्रेन को 5 मिनट है आने में। मैं और भाई, ये पीछे का व्यू देखो आप, कितना प्यारा दिख रहा है। फोकस, हाँ देखो मस्त पहाड़ पहाड़ है, और आज मकर संक्रांति भी है तो बड़ा ही बेहतरीन व्यू आ रहा है। एक मिनट में आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो इतना प्यारा सीन दिख रहा है, यहाँ से व्यू कुछ अलग ही आ रहा है। ठंडी का टाइम, और ये देखिए ऊपर से कितने सारे पतंग हैं। कैमरे में दिख रहा नहीं है लेकिन है, बहुत सारे दिख रहे हैं। सो अभी चलते हैं लालबाग को, चलने का है। ट्रेन का भी व्यू दिखाऊंगा, जो दुकान से लेते हैं हम लोग वो दुकान का भी दिखाऊंगा। गाइस काम बहुत है गणपति अप्पा, सिर्फ 8 डेज़ बाकी है आने में। 8 डेज़ में काफ़ी सारे काम करने के 8 डेज़ में काफ़ी सारे काम करने के गाइस, और डेकोरेशन पेंडिंग है, मतलब सभी बहुत काम पेंडिंग है। और जैसा मेरा जो फ्रेंड था ना सूरज, जो मेरे साथ वर्क करता था, कल उसके दादा भी ऑफ हो गए, सो वो कल चला जाएगा गांव। मतलब ये बार अपनी टीम छोटी हो जाएगी, मचाने वाला कोई नहीं रहेगा उनके साथ। अभी भाई होता है, ज़िंदगी है, देखते हैं अभी क्या होता है। जो भगवान को मर्जी, जो पप्पा को कबूल रहेगा वही रहेगा गाइस। चलो फिर लोकल में मिलते सीधा। गाइस हम लोग घाटकोपर स्टेशन से आ गए, टिकट भी ले लिया। अभी ट्रेन 2 नंबर प्लेटफॉर्म से ट्रेन पकड़ेंगे, फिर हम लोग चलते बनेंगे लालबाग से राजा। वहाँ पे पहले कपड़ा लेंगे, फिर लालबाग राजा दर्शन करेंगे, मतलब जिधर पे मूर्ति बैठता है वहाँ पे स्टोन रखा है ना ब्लैक कलर का, वहाँ पे दर्शन करेंगे, फिर हम लोग रिटर्न हो जाएंगे। हाँ यहाँ से चिंचपोकली उतरेंगे क्योंकि भाई कल हम लोग को दूर पड़ जाएगा। चिंचपोकली उतर के चिंचपोकली का ब्रिज से मंडप के साइड हो जाएंगे, फिर वहाँ से हम लोग वॉकिंग डिस्टेंस पे है दुकान, वहाँ से अपन सामान वगैरह लेके फिर घर को। सो हे गाइस, हम लोग निकल चुके हैं, लोकल में आ गए, इधर जा रहे हम लोग चिंचपोकली उतरेंगे। देखिए आप व्यू देख सकते हैं, घाटकोपर स्टेशन से जस्ट ट्रेन निकल रही है। मैं बैक साइड पे खड़ा हूँ सो उल्टा व्यू आ रहा है, फिर आप देखो फिर भी। पहली बार पूरा लोकल खाली जैसा मिला है हम लोग को, पूरा लोकल खाली मिलेगा। हाय, इधर खड़ा है ये और हम लोग इधर पे खड़े हैं। पापा ने मना किया था लटकने का, इसके लिए पैर मेरा पूरा अंदर है क्योंकि मुझे व्लॉग शूट करने का है, तो पापा मना किए तो भरोसा करके भेजे, तो मैं लटक नहीं सकता गाइस, इसके लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। दिखा रहा हूँ आपको शॉट एक एक, आप देखो। अभी आएगा विद्या विहार स्टेशन, फिर कुर्ला, फिर माटुंगा, दादर, सब लोअर परे चिंचपोकली फिर आएगा, तो फिर हम लोग मिलते डायरेक्ट आपको चिंचपोकली स्टेशन पर। भाई कुर्ला में गर्दी चढ़ेगा, गाइस हम लोग चिंचपोकली उतर चुके हैं, अभी ब्रिज पे चढ़ेंगे फिर वहाँ पे उतरेंगे। मुझे मेरे चिंतामणि पप्पा का मंडप दिख रहा है यहाँ से, और मेरी जो खुशी है मैं आपको मतलब बता ही नहीं सकता कैसी खुशी हो रही है मुझे मंडप देख के गणपति पप्पा के मेरे। वाह, इट्स जस्ट हेवन फॉर मी। सो गाइस अभी हम लोग ब्रिज चढ़ने वाले, रुको मैं आपको अपना चिंतामणि पप्पा का मंडप दिखाता हूँ। गाइस आप देख सकते हो सामने चिंचपोकली उत्सव मंडल लिखा हुआ है, ये पत्रे की वजह से दिख रहा नहीं है बट यही है, यहीं गणपति बप्पा अपने बैठते। और गाइस अपन चिंचपोकली ऊपर चढ़ते हुए ब्रिज से चढ़ेंगे, फिर वहाँ से उतरेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ का भी व्यू। तो
चलते रहो फिर साथ में। देखिए गाइस नीचे ट्रेन, अपन इधर, ये मेरे पापा का मंडल चिंचपोकली सार्वजनिक उत्सव मंडल। अभी कितना खाली खाली दिख रहा है गणपति के टाइम तो, यहाँ पे चलने की भी जगह नहीं होती है गाइस। देखिए सब खाली खाली है। ट्रेन ट्रेन ट्रेन, हाँ इधर इधर चिंतामणि पप्पा बैठते हैं अपने। देखिए आजा उतरते तो गाइस यहाँ पे अपने चिंतामणि का पप्पा बैठते हैं। देखिए इनका पंडाल, चल भाई आगे चल। चिंचपोकली सार्वजनिक उत्सव मंडल गाइस देख के बहुत खुशी हो रहा है। यहाँ से ये वैसे पूरा लाइन लगा के खड़े रहते थे, यहाँ से लेके आगे तक पूरा लाइन 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 रहता था, और अभी कैसा शांति शांति दिख रहा है गाइस। देख ही सकते चिंतामणि पप्पा, ये सब पूरा दरबार, मतलब यहाँ आने के बाद एक अलग ही सुकून सा मिलता है। भले गणपति हो दो नहीं हो दो, लेकिन गणपति के टाइम तो फिर स्वर्ग से कम नहीं है ये जगह मेरे लिए तो। ये लाल बाग, गोड़ गणपति वगैरह, पानी पूड़ी के भी मज़े आज फुल। हाँ घर पे बोला रोहित भैया के साथ आ रहे हो जाके, और बताया नहीं लाल बाग आने का है। तो गाइस चिंचपोकली सार्वजनिक वाचनालय और ग्रंथालय अभी चल रहे, ए जा भाई भाई भाई। हाँ सो गाइस हम लोग चलते हुए अच्छे लग रहे हैं, देखिए ना फास्ट फास्ट हम लोग चल रहे हैं। चलते 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 एक्चुअली सामने लालबाग मार्केट आ गया। चलो पूरा लालबाग मार्केट भी आपको दिखाते हैं। टडा ठीक है, लालबाग मार्केट तो आ गया। इधर उधर मार्केट है ये अपने को, ये सामने मंगल वाले में जाने का है। ये सामने की दुकान जो हेलोजन ज्वेलरी है वहाँ पे, वहाँ से अपन कपड़ा लेते फिर अपन अपने उधर को चलेंगे लालबाग। ये पूरा मार्केट ही है, ये मंगल सोसाइटी है ना वहाँ जाने का। तो गाइस मिलते लालबाग मार्केट में, फिर सीधा यहाँ से कपड़े वगैरह ले ले फिर। हम लोग ने सामान वगैरह ले लिए और खाने के लिए खाऊ खाऊ भी ले लिया। ट्रैफिक ज़्यादा खुल गई है और सामने राजा बैठता है अपना। चलो चलते मंदिर भी दिखा देता हूँ आपको लालबाग के राजा का। एक्चुअली रोड कैसा बड़ा है, चार रास्ता है ना गाइस, तो इसके लिए देखता के चलना पड़ता है। एक तो नन्ना सा नन्नी मुन्नी सी जान को भी लिया हूँ मैं। चलो संभल के प्लीज़ 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 प्लीज़। सो गाइस एक एक चुनाव तो पार हो गया, ये साइड आ जा भाई। ए जिंगल बेलोआ जिंगल बेलोआ, आराम से भाई इधर आ जा। देख कितना गर्दी होता है, देखा खड़ा रहना पड़ेगा। तो गाइस लालबाग मार्केट देखिए, पानी पूरी आ जा। ये लालबाग मार्केट पूरा आज मकर संक्रांति था ना, इसका पूरा प्रिपरेशन किया हुआ है। अंदर पूजा भी है आई थिंक सो, राजा की गली में तो नहीं है लेकिन दूसरे साइड पे है। ये पूरा सजा हुआ है, लाइटिंग वगैरह उसी की है। अगर राजा की गली में रहेगा तब तो फिर बेस्ट है, फिर आप लोग देख लेंगे। हाँ राजा की गली में ही है पूजा, आइए देख लेते हैं, राजा से भी मिल लेते हैं और आपसे भी मिल लेते हैं। सो गाइस ये मेन लालबाग का राजा इधर बैठता है, पूरा देखिए कैसा सजाया हुआ। ये लालबाग मार्केट है गाइस, माला वगैरह कंठी वगैरह सब यहाँ मिलता है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए पूरा लालबाग सजा पड़ा रहता है। आइए देखते हैं, चलते रहे ये गणपति बप्पा का नाम लेते रहिए। गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया, देखिए कितना मस्त सजाया है, राजा हमारा सामने बैठता है भाई। यही लालबाग के राजा बैठते हैं, सामने दिख रहा है ना ये मंदिर, ये मंदिर लालबाग के राजा का है। आज पूजा है ना, आज खिचड़ी है ना इसके लिए भाई। वाओ मस्त वाई पा रही है। हम लोग राजा के दरबार में पहुंच गए, सामने अपना राजा बैठता है, जहाँ पे छोटा सा पंडाल लगा है उधर।
देखो यहाँ पे आपको सब राजा के फोटो ही दिखेंगे, क्योंकि राजा अपना मुंबई का राजा नहीं, बहुत बड़ा है। ये मंदिर है लालबाग के राजा का, इधर राजा बैठता है अपना। आइए दर्शन कर लेते हैं फिर राजा के। गणपति अप्पा मोरया। गाइस दर्शन हो चुके, अभी प्रसाद लेते हैं और चल आ जा भाई, ले ले प्रसाद। गाइस दर्शन हो गए, देखिए लड्डू मिला है, मोदक मिला है यानी गणपति बाप्पा का, और रूअब्जा मिला था। दर्शन हो गया, अभी हम लोग घर के ओर जा रहे हैं, फटाफट जाना पड़ेगा घर पे क्योंकि कॉल आ रहा है। तो गाइस चलो फिर आपको सीधा मिलते हैं हम लोग मेट्रो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू। फाइनली हम लोग अपना मेट्रो पहुंच गए, असलफा मेट्रो पे, अभी जा रहे हैं घर की ओर। तो ऐसे ही हम लोग का दिन जा रहा है, आजकल गणपति अप्पा आ रहे हैं तो सब इधर उधर भाग दौड़ लगा है। इधर मंदिर है शंकर भगवान का, आरती हो रही है, जय हो प्रभु। तो गाइस अभी फिर आपको मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय शुक्रिया। इसी तरह प्यार देते रहिए, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर एंड कमेंट तो ज़रूर करना।